नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। चाहे आप स्विंग ट्रेड करें या फिर डे ट्रेड करें या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करें, आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है जब कभी भी आप ट्रेड लेते हैं कि उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए। दोस्तों, जनरली कन्फ्यूजन ये रहता है कि किस लेवल पर जा कर के हम स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लें और किस लेवल पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रखें कि उसके नीचे अगर चला जाए तो हम उससे एग्जिट कर जाएँ। ये जो दुविधा बनी रहती है एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसको सॉल्व करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, फॉर रिफाइंड इंफॉर्मेशन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करेंगे और लेट्स बिगिन। तो कैसे एग्जैक्टली प्लेस करें स्टॉप लॉस को और क्या होने चाहिए किसी भी ट्रेड में टारगेट्स, इसके लिए दोस्तों ये वीडियो देखना, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट इट कैन बेनिफिट यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग जब स्टॉप लॉस वगैरह जब रखते हैं तो क्या गलतियां करते हैं। या तो वो स्टॉप लॉस को काफ़ी क्लोज रख देते हैं, तो मेरा मानना ये है या तो अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसा स्टॉप लॉस रखें जो कि बिल्कुल आपके बाय प्राइस के पास में हो, जिससे कि आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। या तो स्टॉप लॉस ऐसा रखो, या फिर ऐसा मत रखो कि यू नो कोई भी नीचे की रेंज आए और उसमें हिट करके निकल जाए, एवरी डे इट विल हिट, ऐसा यू शुड नॉट कीप। यू शुड कीप दैट स्टॉप लॉस जो कि आपके या तो बिल्कुल बाय प्राइस पे ही हो कि बस आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको सीखने के लिए बेस्ट रहा। या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि स्टॉप लॉस ना लगाना इज लाइक क्लियर कट अपने आप को डिस्ट्रक्शन का के लिए इनविटेशन देना है। तो यू शुड नेवर टेक अ ट्रेड जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं है। और तीसरी और जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गलती लोग करते हैं कि जैसे ही उनका स्टॉक स्टॉप लॉस के पास आने लगता है वैसे वो ट्रेड का स्टॉप लॉस और नीचे ले जाते हैं, तो वो फिर और नीचे चला जाता है, फिर उसके नीचे और नीचे ले जाते हैं, उसके नीचे स्टॉक और आता चला जाता है, नीचे आता चला जाता है, और इस चक्कर में उनका जो लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। या तो फिर लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और वेट करते रहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और अभी रिकवर करेगा, और स्टॉक कभी भी रिकवर नहीं करता, उनका लॉस बढ़ता चला जाता है। सो ये सारी कॉमन मिस्टेक हैं जो कि आपको नहीं करनी है। आपको एक स्टॉप लॉस रखना है वेल मेजर्ड, कैलकुलेटेड और अंडरस्टूड, वेल ऑर्गेनाइज स्टॉप लॉस रखना है। कैसे रखना है, आपको उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, उससे आपको स्टॉप लॉस मेजर करके प्लेस कर देना है। और इस स्टॉप लॉस के डर के चलते कितने सारे लोग हैं जो कि ट्रेड ही नहीं लेते हैं, उनको इतना डर लगता है, भय लगता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल ऑल्सो लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आई हैव स्टार्टेड टू टेक ट्रेड विदाउट एनी स्टॉप लॉस, या फिर मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। येस, आई हैव फेस दीज थिंग्स, बट थिंग्स आई हैव बिकम सिंपलर नाउ। अब कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है उसको समझेंगे, हम लोग समझेंगे ATR क्या होता है, ATR के थ्रू स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये कोई नई चीज़ मैं ईजाद नहीं कर रहा हूँ, everybody knows how to place it। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए ये चीज़ हो सकता है नहीं हो, तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को पता है उनके लिए एक और भी कुछ प्रो टिप्स के साथ में इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे ATR कैलकुलेट करता है ये समझेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे चार्ट्स पे लगाना है, और ऑफकोर्स बीच बीच में जो मेरे प्रो टिप्स होंगे उनको मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं ATR होता क्या है। ATR होता क्या है इससे पहले एक जरूरी है, ATR का जन्म किसने किया। तो ATR का जो डिस्कवरी है, ATR को जो ये इनोवेट किया इन्होंने, ये हैं मिस्टर जे वेल्स वेल्डर जूनियर। अब इन्होंने RSI नाम का इंडिकेटर जो कि बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, इनकी ही देन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट एंड वाइज दिस मैन इज, कि इनके द्वारा जनरेट किया गया ये आइडिया आज भी लोग यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं भाई व्हाट इज ATR। ATR का फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। इसको अब अगर आप तीन भागों में डिवाइड करें तो इसको आप समझेंगे, एवरेज मतलब ये किसी चीज का एवरेज है जो कि आपको बताता है, ट्रू मतलब करेक्ट बताता है, एक करेक्ट एवरेज बताता है, और साथ में रेंज बताता है कि किस रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा। अब जो अपर वाली ट्रेड हो गई, रेंज हो गई, वो हो जाएगा आपका टारगेट अगर आपने बाय किया है, और नीचे वाली जो रेंज है वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, जिसके नीचे गया तो मामला खतरनाक है। तो इस रेंज को बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज, जो कि आपको बताती है कि इस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। तो बेसिकली ये एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, और आप
आपको कोई ट्रेंड नहीं बताता कि बाय कर लो या सेल करो, बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता, सिर्फ एक रेंज देता है कि इस रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा, बाय या सेल नहीं बताता है। फिर से बोल रहा हूँ, बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता है, आपको सिर्फ रेंज बताता है जिसमें कि आप सही से टारगेट और सही से स्टॉप लॉस लगा सकें। अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है, जब भी आप ATR लगाते हैं, एवरेज ट्रू रेंज लगाते हैं, तो उसमें एक पीरियड मांगता है, वो पीरियड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पीरियड होता है 14 डेज का, 14 दिन का एवरेज को निकालता है ATR। लेकिन अगर आपको एग्रेसिव सेफ ATR चाहिए तो आप इसको, मैं थोड़ा सा और क्लोज कर दूंगा, मैं कर दूंगा और भी ज़्यादा क्लोज, मतलब जितना ज़्यादा आपका डेटा नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट मतलब जितना ज़्यादा प्रेजेंट का डाटा होगा, क्लोज डाटा होगा, उतना बेहतर रिजल्ट होगा। तो आप 14 की जगह पर 10 लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ATR के यूजेस समझ लेते हैं। तो ये आपको बताता है किसी स्टॉक की क्या वॉलेटिलिटी है, इस कारण आपको ये बता देता है। रेंज क्या है, जिसमें कि अपर रेंज आपको बता देती है कि क्या होगा टारगेट जो आप जो कि आपको रखना चाहिए, और नीचे के लेवल पर आपको रेंज बता देता है कि इसके नीचे अगर स्टॉक गया तो वहां से वो वीक हो जाएगा। तो वीक हो जाने का मतलब क्या है, वीक हो जाने का मतलब ये है कि वहां से आपको एग्जिट पोजिशन लेनी चाहिए और वो होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। इस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सही लेवल पे डिस्क्राइब करके, डिफाइन करके प्लेस कर सकते हैं। अब एज अ लॉजिकल थिंकर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई अगर हमको ये सारी चीज़ बता देता है तो ये पता कैसे करता है कि किस स्टॉक में क्या सभी में सेम वॉलेटिलिटी रहती है या सभी में सेम रेंज रहती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कभी भी ATR आप लगाते हैं तो वो चार चीज़ों से डिफाइन होता है। नंबर वन, ATR डिफाइन होता है तीन चीज़ों से, स्टॉक का बीटा वैल्यू क्या है, बीटा मतलब कितना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का अगर ATR देखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसका रेंज ज़्यादा बड़ा होता है, बजाय कि ITC के या फिर NTPC के या फिर वो स्टॉक्स जो कि कोल इंडिया के, मतलब इनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी ही नहीं है, तो इन स्टॉक के बीटा पे। इसके अलावा स्टॉक के वॉलेटिलिटी पे और स्टॉक के अलावा मेरे हिसाब से आपको एक और भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें स्टॉक मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या टाइम पीरियड लगाया है आपने। अगर आपने डे का कैंडल लगाया है तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें रेंज और ज़्यादा बड़ी दे देगा। अब वहीं अगर आपने एक मिनट का लगाया है या फिर 10 मिनट का लगाया है या 5 मिनट्स का लगाया है या 15 मिनट्स का लगाया है तो उसमें रेंज कम होगी। अब हम लोग थ्योरी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हम लोग एक्चुअली में चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे ATR कैसे निकालते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि चार्ट्स पे कैसे ATR को लगाते हैं। जैसे कोई भी अगर आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रेड करते हैं, ज़रोधा, अपस्टॉक्स या फिर ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, हर एक जगह पर ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैं ज़रोधा यूज़ करता हूँ पर्सनली, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा मैं ज़रोधा को इससे चार्ट्स को एनालाइज करना की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपको ज़रोधा पे समझाऊंगा। ज़रोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यू कैन ओपन इट, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स अ वेरी वेरी नाइस रिफाइंड ब्रोकर, मैं पर्सनली यूज करता हूं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आपको खोलना चाहिए और यू विल बी बेनिफिटेड इफ यू ओपन फ्रॉम द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम आर साइड एज वेल। सो लेट्स गो टू ज़ेरोधा चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ATR को कैसे यूज करना है। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मुथूट फाइनेंस के चार्ट्स पे, आप देख सकते हैं ज़रोधा का चार्ट है, सिंपल इजी टू यूज़ चार्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, साफ़ सुथरा है, बहुत इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो मुथूट फाइनेंस के चार्ट पे आप देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस पे यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है और उसने आज के दिन 6% का मूव दिया। 6% मतलब समझ रहे हैं आप, इट ओपन एंड क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 6% मैं बोल रहा हूँ, बल्कि मूव तो करीब 7.5% के आस हुआ था, फ्रॉम 12.50-12.30 के आसपास की रेंज से उसने लो से उसने आज हाई लगाया क्लोज टू 13.30 के आसपास। तो इतना शानदार मूव दिखाया मुथूट फाइनेंस ने। तो इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको एवरेज ट्रू रेंज लगाने से पहले स्टॉक का एक ब्रेकआउट लेवल देखना होता है कि कहां से वो ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर W पैटर्न बना है, तो W पैटर्न में क्या है, ये एक लेवल है जो कि उसके लिए बहुत क्रूशियल था। अगर आप ये देखें यहां पर, दिस इज द रेंज वेयर यू कैन, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता है दोस्तों तो यू मस्ट गो एंड वॉच माय वीडियो ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप डे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडर हैं।
तो ये वो रेंज है जिसमें कि आपको पता चलता है कि यहाँ से इस प्राइस रेंज के बाद मुथूट फाइनेंस में ब्रेकआउट आ जाएगा। तो जब आपने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और आपने देखा कि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर जब आपको पोजीशन लेनी थी तो आपको यहाँ पर पोजीशन लेने से पहले आपको देखना था कि क्या इसका स्टॉप लॉस और क्या टारगेट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको जानना है स्टडीज़ में जैसे आप जाएंगे तो यहां पर सर्च करेंगे एवरेज, तो आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज ट्रू रेंज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे एवरेज ट्रू रेंज लग करके आ जाएगा। किस प्रकार से, मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप इसमें एवरेज ट्रू रेंज पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन देगा आपको क्या पीरियड रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पीरियड रखना होता है, यू हैव टू कीप पीरियड एज 14, ताकि आप नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट प्राइस एक्शन है उसको आप फैक्टर इन करें। पुराना वाला क्या हो रहा है उससे आपको क्या लेना देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 करना है और इसको डन कर देना है। तो उसके पहले मैं इसको करता हूँ 10 एंड देयर यू गो, आपने इसको किया डन और नीचे लग करके आ गया है ATR। तो ATR आपको दिखा रहा है 59, मतलब जब कभी भी आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं सपोज 1200 के लेवल पे, तो आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, दैट इज प्लस 59, दैट इज 1259 शुड बी योर टारगेट। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, माइनस 59 मतलब हो गया आपका, हो गया 1241। तो ये होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस और ये होना चाहिए टारगेट। लेकिन इसमें क्या प्रो टिप है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें मैंने कैंडल कौन सी लगा रखी है, डे की कैंडल। यहीं पर अगर आप इसकी 1 मिनट की कैंडल रखेंगे तो इसमें ATR चेंज हो जाएगा, या फिर 5 मिनट्स की रखेंगे तो ATR चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट्स रखी है, तो ये आज के दिन का मूवमेंट दिखा रहा है, आज है 22 जुलाई। तो आप इसमें देख सकते हैं 7.97, मतलब अगर आपको इसमें ब्रेकआउट देखना था, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपने देख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड देयर यू गो, तो आपने ये देख रखा है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। तो ये लेवल कितना है, 1258 के आसपास। तो 1258 अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से आप इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कितना रखना है, 8 का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेड लेंगे इस लेवल पे, दैट इज़ क्लोज टू 1260, तो 1260 जब आपको एंटर करना है तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, माइनस एट विच मेक्स इट 1252। तो 1252 होगा आपका स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट क्या होगा, 1268 प्लस। तो 1268 के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चले जाना है। फॉर एग्जांपल अगर 1270 हो गया, टारगेट चला गया 1270, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाना चाहिए, 1254। तो ये 2 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा। अगर यहीं पर अगर मुथूट फाइनेंस ऊपर चलता चला गया, सपोज 1300 चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी नीचे हो जाना चाहिए, उतना ही नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1260 था पहले, 1260 माइनस 8 दैट इज 1252 था। तो अगर वो हमारे टारगेट से जितना ही ऊपर जा रहा है, उतना ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको नीचे वाला भी ऊपर करते चले जाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, ये है ATR जो कि चेंज होता है, क्या टाइम पीरियड लगा रखा है आपने उस पर भी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। एक और चार्ट देख लेते हैं क्विकली, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है एस्कॉर्ट्स का चार्ट, और एस्कॉर्ट्स में आपको मालूम है 1 डे का कैंडल मैंने लगा रखा है, और आप देख सकते हैं ये इसका एक लेवल था, एक रेजिस्टेंस था, जिस पे कि उसने आकर के एक बार सपोर्ट भी लिया और उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो आपको कहाँ पर इसको ट्रेड करना है, यहाँ पर ये लेवल देख लेना है, विच इज़ क्लोज टू 900 का लेवल। तो 900 के लेवल को जब वो तोड़ेगा तो उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपने क्या देखा, क्या होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 860, मतलब माइनस 40 करेंगे आप, 900 से माइनस 41 करेंगे तो आएगा आपका 859। ये होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या होना चाहिए, 900 प्लस 41, दैट इज 941। ये होने चाहिए आपके टारगेट्स, ये होने चाहिए पहला टारगेट नंबर 1। इसके ऊपर चलता चला जाएगा, फॉर एग्जांपल ये चला गया 961 चला गया, तो आपका ये भी 20 पॉइंट ऊपर चला जाना चाहिए, दैट इज 879। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर चलता चला जाएगा। और इसको मैं एक बार अगर 5 मिनट्स कैंडल पे कर देता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं।
सो जैसे ही आपने 5 मिनट्स का इसमें कैंडल लगाया तो आप देख सकते हैं इसका ATR चेंज होकर के कितना हो गया, 5.59, क्लोज टू 6 आप कह सकते हैं ऑन अ सेफर रेंज। तो जब आपको 5 मिनट्स का ट्रेड लेना है तो फिर आपने स्ट्रेट अवे ये ध्यान रखना है, ये इसका डे का पिछले दिन का हाई था, तो ये जब तोड़ेगा तब वो स्टॉक ऊपर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर तोड़ा और स्टॉक सीधे बड़ी कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा और स्टॉक यहाँ से सीधे ऊपर निकलता चला गया। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब कभी भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं जब वो पिछले दिन का हाई या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो उसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल के साथ उसको यू नो ब्रेक करना चाहिए, जो कि उसने ब्रेक करा और आप देख सकते हैं 1180 से उसने क्लोज टू 1200 का ऑलमोस्ट 2% का हाई मारा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, 6 पॉइंट्स का। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं विच इज़ क्लोज टू 1180 तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1174 शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट शुड बी 1184 प्लस 6 दैट इज 1190 प्लस। तो पहला टारगेट होना चाहिए 1190 एंड देयर आफ्टर 1196 1102 एंड सो ऑन। आपको समझ में आ गया, प्लस सिक्स करते चले जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है जब भी कभी भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड ATR। अब इसमें जो मेरी प्रो टिप है वो ये है, जब कभी भी आप इंट्राडे का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस उस रेंज के नीचे ही लगाना है, उसके ऊपर नहीं लगा लेना है, जबकि टारगेट उस रेंज के अंदर ही रखना है ताकि आपका टारगेट हिट हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से वापस भी चला जाता है तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जबकि टारगेट डेफिनेटली हिट हो जाए। तो इसको ध्यान रखना है, चाहे एक पॉइंट ATR के एक पॉइंट नीचे रखना है टारगेट, पहला टारगेट दैट इज T1 और जो उसका ATR नीचे का लेवल है उससे एक पॉइंट नीचे रखना स्टॉप लॉस ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। ये आपको ध्यान रखना है, विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंने एक बहुत अच्छा मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था, जिससे कि यू नो यू कैन रीड दिस जोक, वेरी नाइस वन, आपकी हेल्थ के लिए भी स्टॉप लॉस अच्छा होता है। पॉज इट, रीड इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये जोक कैसा लगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये जोक पसंद आया होगा। आपकी हेल्थ के लिए भी स्टॉप लॉस अच्छा होता है, जो लोग कहते हैं आपकी वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता है आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को भी ख्याल रखें, स्टॉप लॉस से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव ना करें, स्टॉप लॉस से अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करें। एंड अभी तक आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करते आए हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी अ ग्रेट पॉइंट, ग्रेट यू नो थिंग्स टू डिस्कस एंड वी ऑल एज अ कम्युनिटी विल डिस्कस इट। अभी जितने भी मेरे मेंबर सब्सक्राइबर्स हैं वी ऑल कैन डिस्कस इट। अभी तक आप कैसे स्टॉप लॉस लगाते रहे हैं या लगाते नहीं हैं या लगाते नहीं थे या फिर कैसे लगाते थे, 1% 2%, हाउ यू यूज टू डू इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डू नॉट मेक योर हेल्थ विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। बाय बाय फॉर नाउ।